गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, RRB NTPC 2019 का फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है। अगर आपने अभी तक फॉर्म को फिलअप नहीं किया है तो फॉर्म को जाकर फिल करें। फ्रेंड्स, इसी को देखते हुए मैं आज से आप सभी के लिए RRB NTPC 2019 के लिए स्पेशल GK सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसका ये फर्स्ट पार्ट है, जिसमें हम लोग कवर करने वाले अम्ल, भस्मर और लवण, यानी कि एसिड, बेस एंड साल्ट। इसका फॉर्मेट होने वाला है MCQ फॉर्मेट में, हम लोग इसे कम्प्लीट करने वाले हैं। फ्रेंड्स, इस यह सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज इस सीरीज का टारगेट आपके लिए है कि जो GK में आपका 40 क्वेश्चन आते हैं, 40 में 40 आपका आने का पूरे चांसेस है। इसको देखते हुए मैं आपका पर डे डेली वीडियो अपलोड करने वाला हूँ सुबह के 5 बजे। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी अगर इस RRB NTPC 2019 के एग्जाम में 40 out of 40 GK में अगर लाना चाहते हैं तो इस सीरीज़ को पूरा जरूर देखिए। इस सीरीज में मैं आपको सारे सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर को बहुत ही इजी वे में MCQ पैटर्न में सारे क्वेश्चन को कवर कराने वाला हूँ। साथ में जो करेंट अफेयर का सेक्शन है उसके लिए आपका स्पेशल वीडियो संडे को आपको मिलते रहेगा। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, अम्ल वह पदार्थ है जो, अम्ल जो पदार्थ है वो क्या करता है फ्रेंड, तो प्रोटॉन प्रदान करता है, प्रोटॉन देता है, अम्ल प्रोटॉन देता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। भस्म वह पदार्थ है जो, भस्म क्या करता है फ्रेंड्स, तो भस्म होता है प्रोटॉन ग्रहण करने वाला, प्रोटॉन ग्रहण करता है भस्म। क्वेश्चन नंबर थर्ड है फ्रेंड्स, अम्ल व भस्मों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को कहते हैं। अम्ल और भस्म की जो अभिक्रिया होती है उसके फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है फ्रेंड्स, उसे बोला जाता है लवण। ठीक है, लवण ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उदासीनीकरण क्रिया में बनता है, जो उदासीनीकरण क्रिया के फलस्वरूप फ्रेंड्स बनता है लवण तथा जल, लवण व जल बनता है उदासीनीकरण क्रिया के फलस्वरूप। नेक्स्ट है, अम्ल एवं भस्म के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है, अम्ल एवं भस्म के परीक्षण के लिए, तो फ्रेंड्स उसमें यूज़ किया जाता है लिटमस पत्र का, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका लिटमस पत्र क्वालिटी हो जाएगा। आगे मैं आपको इसका ट्रिक भी बताने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, कौन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। इसके लिए आपके लिए मैं एक ट्रिक लेके आया हूँ, जो कि है आपका अनिल, नाम सुने होंगे, अनिल एक क्या है, नाम है। तो ट्रिक यहाँ पे यह बनता है, जो अम्ल होता है वह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो यहाँ पे क्या बात हो रहा है, नीले लिटमस पत्र को लाल करने का बात रहता है, कौन करेगा, तो अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हम लोग का अम्ल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, जो अनिल है इसे आपको क्या क्वेश्चन बनेगा, या तो बनेगा अम्ल के बारे में या फिर बनेगा भस्म के बारे में। तो अम्ल का आपको याद हो ही गया अनिल, तो अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा। अब बात आती है भस्म, तो भस्म क्या करेगा, लाल लिटमस पत्र को नीला लिटमस पत्र में बदल देगा। तो यहाँ पे आपका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, यानी कि भस्म। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल में घुलनशील भस्म होते हैं, भस्म को फ्रेंड्स बेस भी बोलते हैं, तो जल में जो घुलनशील भस्म होते हैं उन्हें बोला जाता है क्षार, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका क्षार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चलिए इसको हम लोग पॉइंट पढ़ते हैं। क्षार में साबुन जैसी चिकनाहट होती है, बिल्कुल करेक्ट पॉइंट है। क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, मैंने ट्रिक से बताया है, इसको हिसाब से करेक्ट है। सभी क्षार भस्म होते हैं किंतु सभी भस्म क्षार नहीं होते, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है फ्रेंड्स, ये भी क्या है आपका करेक्ट है, यानी कि उपरोक्त में जो भी दिया गया वो सभी यहाँ पे करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी यानी कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं, सभी अम्ल जल में घुल करके क्या प्रदान करते हैं, तो हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं, H+ आयन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। सभी अम्ल जल में घुस करके H+ आयन प्रदान करते हैं। वहीं भस्म का बात आएगा फ्रेंड्स, तो क्या करेगा, OH- आपको प्रदान करेगा, OH यहाँ पे हाइड्रोजन आता है, फिर भस्म में OH आता है। नेक्स्ट है, भस्मों का स्वाद होता है, भस्म का स्वाद होता है फ्रेंड्स खारा, खारा स्वाद होता है भस्म का, मतलब कि क्षार, भस्म क्या बोलते हैं, क्षार भी बोला जाता है, तो क्या लगता है, खारे जैसे लगता है, नमकीन लगता है। भस्मों के जलीय घोल में कौन सा आयन होता है, भस्म को जलीय घोल में मैंने फ्रेंड्स पहले ही बताया कौन सा आयन होता है, तो OH- आयन होता है भस्म में, और वहीं अम्ल में होता है H+ आयन, यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस आपको दिमाग में रखना है, यहाँ पे OH तो आपको दिमाग में रहेगा लेकिन प्लस माइनस आपको दिमाग में रखना है। अम्ल क्या करता है, H+ आयन देता है, और वहीं भस्म OH- आयन देता है अपने जलीय घोल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स,
सभी लवण होते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, सभी लवण होते हैं, वैद्युत अपघट्य होते हैं सभी लवण। पीएच मान का निर्धारण किसने किया, किसने खोज किया है पीएच मान का, तो फ्रेंड्स वो किया है सोरेंस ने, सोरेंस ने पीएच मान का निर्धारण किया है सर्वप्रथम। नेक्स्ट है, शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान होता है, यहाँ पे आपको सांद्रण का मान बताना है, वो भी शुद्ध जल में, तो फ्रेंड्स वो होता है 10^-7, ऑप्शन नंबर ए यानी कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग जानते हैं पीएच मान के बारे में, यानी कि पीएच वैल्यू। तो फ्रेंड्स पीएच वैल्यू आपको मिलेगा 1 से स्टार्ट होकर के आपको मिलता है 14 तक, बीच में आता है आपका 7, ठीक है। तो जो 7 होता है वो क्या होता है, उदासीन होता है, उदासीन होता है 7। और फिर जो 7 से आपको कम मिलेगा, मतलब कि इस साइड में 7, 6, 5, 4 ये सब 1 तक, तो वो आपको मिलेगा अम्ल। इस क्या होता है, इसका प्रकृति अम्लीय होती है। और फिर 7 से 14 के बीच वो जो होगा वो मिलेगा क्षारीय प्रकृति का, या इतना आपको दिमाग में रख लेने हैं, ठीक है। यानी कि 7 से कम होगा अम्ल, 7 से ज़्यादा होगा क्षार, और जो 7 होगा जिसका यहाँ पे पीएच वैल्यू वो होगा उदासीन, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अम्लीय घोल का पीएच मान होता है, यहाँ पे अम्ल का मैंने पहले ही बताया कि 7 से जो कम होता है वो होता है अम्लीय घोल का पीएच मान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्षारीय घोल का पीएच मान होता है, क्षारीय घोल का पीएच मान होगा 7 से अधिक, यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उदासीन घोल का पीएच मान होता है, उदासीन घोल का पीएच मान फ्रेंड्स मैंने बताया वो क्या होता है, 7 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सभी अम्ल धातुओं से प्रतिक्रिया कर कौन सी गैस निकालते हैं, सभी अम्ल धातुओं से प्रक्रिया करके फ्रेंड्स निकालते हैं हाइड्रोजन, मैंने पहले ही बताया वो क्या करते हैं, अम्ल जो क्या करते हैं हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं, H+ आयन। तो यहाँ पे क्या बात आ रहा है, अम्ल का बात आ रहा है, तो यानी कि हाइड्रोजन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं बात आता है फ्रेंड्स क्षार धातुओं प्रतिक्रिया करके कौन सी गैस निकालते हैं, तो OH- यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट है, रक्त का पीएच मान, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे देख सकते हैं आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है, रक्त का पीएच मान फ्रेंड्स होता है 7.4, यानी कि 7.4 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूध का पीएच मान, दूध का पीएच मान फ्रेंड्स होता है 6.6, ठीक है, दूध का पीएच वैल्यू 6.6 होता है। नेक्स्ट आता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिटिक अम्ल से अधिक शक्तिशाली है, क्यों, उसका वजह आपको बताना है, तो फ्रेंड्स वो होता है इसलिए क्योंकि यह हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करने हेतु संपूर्ण आयनित हो जाता है, यानी कि यहाँ पे क्या बात हो रहा है, अम्ल का बात हो रहा है, इसलिए क्या करता है, यह हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करने के लिए संपूर्ण आयनित हो जाता है, इसीलिए यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिटिक अम्ल से अधिक शक्तिशाली होता है। नेक्स्ट है, जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रो ऑक्सिल आयन से मुक्त रहते हैं कहलाते हैं, उन्हें फ्रेंड्स बोला जाता है समान लवण, जो क्या करते हैं, जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन से मुक्त रहते हैं उन्हें बोला जाता है समान लवण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से समान लवण का यहाँ पे सूत्र बताना है, नॉर्मल साल्ट्स नहीं है, यहाँ पे आपको नहीं बताना है, मतलब जो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट इनकोरेक्ट है वो बताना, चूँकि यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो Na2SO4 ये तो आपका करेक्ट आंसर है। फिर आता है Na3PO4, ये भी आपका करेक्ट है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आता है हम लोग का CaSO4, ये भी आपका करेक्ट है, तो इनकोरेक्ट कौन है, NaHSO4 क्या है वो, जो कि समान लवण नहीं है, यानी कि क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जटिल लवण है, यहाँ पे जटिल लवण बताना है, कॉम्प्लेक्स साल्ट का उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है, उसमें आपको बताना है कौन सा जटिल लवण है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे K4Fe(CN)6 ये क्या है, जटिल लवण है। फिर K2HgI4 ये भी जटिल लवण है। AgNH3CL ये भी क्या है, जटिल लवण है, यानी कि इनमें सभी जो हैं वो जटिल लवण है, मतलब कि जब उसमें दो से ज़्यादा तत्व जब मिले हुए होते हैं कंपाउंड, उसे क्या बोला जाता है, कॉम्प्लेक्स साल्ट जटिल लवण बोला जाता है। नेक्स्ट है, मोहर लवण है, मोहर साल्ट, तो फ्रेंड्स मोहर साल्ट होता है द्विक लवण, द्विक लवण को मोहर साल्ट बोला जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे आपको सुमेलित करना है, यहाँ पे सारे का आपका एक तरह से यहाँ पे एग्जांपल आपको दिया हुआ है, मैच करते चलना है,
चलिए इसको हम लोग अब अच्छे से मैच करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे समान लवण, समान लवण का एग्जांपल कौन है, बोरियम बेरियम क्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट है अम्लीय लवण, अम्लीय लवण का एग्जांपल है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्षारीय लवण, क्षारीय लवण कौन है फ्रेंड्स, तो फेरिक और हाइड्रोक्साइड है। फिर द्विक लवण कौन है, तो फिटकरी यानी कि एलम उसको बुलाया था। हम लोग का सीक्वेंस बन रहा है 2, 3, 4, 1 जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हम लोग का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जल में समान लवण के घोल होते हैं, जो जल होते हैं उसमें समान लवण के घोल होते हैं, सोडियम के धनात्मक आयन एवं क्लोरीन के ऋणात्मक आयन होते हैं जल में समान लवण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, यह सर्वप्रथम किसने कहा, तो फ्रेंड्स ये कहा है डेवी ने, हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, डेवी ने ये कहा है। नेक्स्ट है लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है, तो फिर जो लवण होते हैं जो जल का अवशोषण करते हैं उन्हें कहा जाता है फ्रेंड्स हाइग्रोस्कोपिक लवण, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ताजे दूध का पीएच 6 जब यह खट्टा हो जाता है तो उसका पीएच वैल्यू, जो उसका पीएच वैल्यू क्या होता है फ्रेंड, तो उस समय उसका पीएच वैल्यू हो जाता है 6 से कम हो जाता है, ठीक है। यानी कि पहले मैंने बताया है आपका दूध का पीएच वैल्यू कितना होता है, 6.4 होता है, जो कि बाद में खट्टा हो जाने पर 6 से कम हो जाता है। नेक्स्ट है पीएच मूल्यांक दर्शाता है, पीएच वैल्यू यहाँ पे आपको क्या दर्शाता है वो आपको बताना है, जैसे उसका डिफिनेशन बताना है। तो फ्रेंड्स वो होता है किसी घोल के अम्लीय क्षारीय होने का मूल्यांक बताता है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया 7 होता है यहाँ पे, 14 होगा यहाँ पे, 1 होगा, 7 से कम होगा तो अम्लीय, 7 से ज़्यादा होगा क्षारीय, उसका क्या बताता है, गुण बताता है कौन है अम्लीय या फिर कौन है क्षारीय। नेक्स्ट है फ्रेंड्स अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, अमोनियम क्लोराइड का फ्रेंड्स जलीय विलयन होता है क्षारीय, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है क्षारीय, H2O और जलीय विलयन NaOH से भरी प्रणालियों के विलयन में विभेद किया जा सकता है, किस चीज़ के द्वारा विभेद किया जा सकता है, तो मैंने फ्रेंड्स पहले ही बताया लाल लिटमस के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका लाल लिटमस पत्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अम्लीय लवण है, यहाँ पे लवण का बात हो रहा है, लवण बताना है आपको, तो फ्रेंड्स मैंने पहले ही बताया था लवण के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, उसमें आना चाहिए आपको CO2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका H2CO3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि है अम्लीय, जिसका अम्ल क्या है लवण है, अम्लीय लवण है सॉरी। निम्न में किसका लवण जल लवण का जलीय विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो वो कर देता है फ्रेंड्स आपका Na2CO3 का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है जलीय विलयन की अम्लता के परीक्षण के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है, उसका अम्लता कौन अम्लता जांच करने के लिए फ्रेंड्स क्या आता है पीएच मीटर का, वही ने बताता है, मैंने पहले ही बताया कि वही बताता है क्या कि कौन अम्लीय है और कौन क्षारीय है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक लुईस अम्ल नहीं है, लुईस अम्ल कौन सा फ्रेंड्स नहीं है, तो BF3 जो होता है उसको लुईस अम्ल नहीं बोला जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी जो यहाँ पे वो शायद लुईस अम्ल है। शुद्ध जल का पीएच वैल्यू है, शुद्ध जल का बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स है, SSC में पूछा हुआ है सारे क्वेश्चन, और RRB यहाँ पे TC का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं इसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शुद्ध जल का फ्रेंड्स पीएच वैल्यू होता है 7, ठीक है। ऑप्शन नंबर यानी कि जो शुद्ध जल होता है वो क्या होता है उदासीन होता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और SSC जॉब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में आप बेल आइकन भी क्लिक कर दें जिससे कि वीडियो का लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। डेली वीडियो टाइम रहेगा आपका 5 बजे, इसके साथ मैं आप कुछ दिन में आपके लिए स्पेशल एक ट्रिक की वीडियो का टाइम देने वाला हूँ, मतलब कि पर डे आपके लिए एक नए ट्रिक दिए जाएंगे जो कि होगी GK से रिलेटेड, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।